हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम। मैं आज आप लोगों को एडोबी इन डिज़ाइन CS6 के अंदर ये बताऊंगा कैसे हम लोग आई ड्रॉपर टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं टेक्स्ट को कलर करने के लिए। आई ड्रॉपर टूल का हम इस्तेमाल सीखेंगे टेक्स्ट को कलर करने के लिए। तो जैसा कि ये मेरा एडोबी इन डिज़ाइन CS6 खुला हुआ है, यहाँ देखें मेरे कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं। अभी ये कलर नहीं है, अब इसे मैं कलर करूँगा आई ड्रॉपर टूल के माध्यम से। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो टूल है इसे हम लोग बोलते हैं आई ड्रॉपर टूल। ये देख सकते हैं आई ड्रॉपर टूल है। अब मैं सबसे पहले ये टेक्स्ट में लिखे हुए हैं, अब मैं एक पिक्चर लेके आता हूँ, पिक्चर लेके आते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, पिक्चर लाने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप मेन्यू बार में जाएँ, यहाँ देखें फाइल मेन्यू में क्लिक करें, उसके बाद प्लेस, पिक्चर लाने के लिए प्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। प्लेस पर मैंने क्लिक किया, करने के बाद प्लेस का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ देखें लुक इन का जो बॉक्स है, आप जिस जगह से आप पिक्चर लेकर आना चाहते हैं, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे वो सी हो, चाहे डी हो, ई हो, जिस ड्राइव में भी आपने अपना पिक्चर रखा है यहाँ से आप वो चूज़ कर सकते हैं। मेरा जनरली डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, एक पिक्चर है, ये पिक्चर मुझे लाना है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद ओपन, नीचे देखेंगे ओपन का बटन है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, देख सकते हैं। उसके बाद ये पिक्चर आ गया, इसे मैं इस तरह ड्रैग कर दूंगा, ये देख सकते हैं पिक्चर आ गया। अब इस पिक्चर का कलर मुझे इस टेक्स्ट पे देना है। इसका जो टी शर्ट कलर है, देखें ग्रीन कलर का टी शर्ट है, इस टी शर्ट का कलर मुझे इस टेक्स्ट का कलर चाहिए इस तरह का। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैंने सबसे पहले टेक्स्ट लिखा, उसके बाद पिक्चर लेकर आया, उसके बाद अब मैं अगेन मैं टूल बॉक्स में जाऊँगा। जाने के बाद आई ड्रॉपर टूल जो है उस पर मैं उसे सेलेक्ट करूँगा, आई ड्रॉपर टूल मेरा सेलेक्ट हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो कलर आपको चाहिए, यहाँ पे देखें टी शर्ट का कलर ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन मैंने सेलेक्ट किया। करने के बाद मैं टेक्स्ट पे जाऊँगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा आई ड्रॉपर टूल के साथ, इस तरह मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब देख सकते हैं ये टेक्स्ट में टेक्स्ट जो लिखा हुआ था, देखें ग्रीन कलर में चेंज हो गया। ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो गया। अगेन फिर से देखें, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है, आपको आई ड्रॉपर टूल में क्लिक करना है और पिक्चर का जो कलर आपको चाहिए अपने टेक्स्ट के लिए, आप वहाँ से पिक्चर पे क्लिक करें। सपोज़ चेहरे का जो कलर है उसे अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट किया इस चेहरे का कलर, तो आई ड्रॉपर का जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर दें इस तरह आई ड्रॉपर टूल से, तो ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कलर, देखें टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, देखिए वो चेहरे का कलर चेंज हो गया। अगेन आप देखें, फिर से एक बार देख सकते हैं, ये जो ऊपर का देख सकते हैं टेक्स्ट जो मैंने लिखा हुआ है, इसका कलर मुझे चेंज करना है आई ड्रॉपर टूल के माध्यम से। तो उसके लिए अगेन आप क्या करें, अगेन आप यहाँ पे जाएं नीचे टूल बॉक्स में, यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल है उस पर क्लिक करें। करने के बाद आपको जो कलर चाहिए पिक्चर का, जो भी कलर आपको चाहिए टेक्स्ट को करना है सेम टू सेम पिक्चर का कलर, तो आप मैंने यहाँ से चेहरा सेलेक्ट किया, चेहरे पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप टेक्स्ट पे जाएं आई ड्रॉपर टूल को और इस तरह सेलेक्ट कर दें, जिस तरह सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को। ये देखिए मेरा पिक्चर का कलर, सॉरी टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। तो इस तरह हम लोग आई ड्रॉपर टूल के माध्यम से हम लोग पिक्चर से अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।